साथियों, पिछले 6 दशकों में सीबीआई ने मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज सीबीआई का दायरा काफी बड़ा हो चुका है। बैंक फ्रॉड से लेकर वाइल्ड लाइफ से जुड़े अपराधों, यानी यहां से यहां तक, महानगर से लेकर के जंगल तक, अब सीबीआई को दौड़ना पड़ रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम से लेकर साइबर क्राइम तक के मामले सीबीआई देख रही है, लेकिन मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है, विशेष रूप से जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है, तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। जहां भ्रष्टाचार होता है, वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता होता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है, तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है, और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है, तो विकास अवश्य प्रभावित हो जाता है। दुर्भाग्य से गुलामी के कालखंड से करप्शन की एक लेगेसी हमें मिली है, लेकिन दुख इस बात का है कि आजादी के बाद के अनेकों दशकों तक इस लेगेसी को हटाने के बजाय किसी न किसी रूप में कुछ लोग उसको सशक्त करते गए। साथियों, आप याद कीजिए, 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबली मना रहे थे, तब देश में क्या स्थिति थी? तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। तूने इतना किया तो मैं इतना करके दिखाऊंगा। आज देश में इकोनॉमी की साइज के लिए लाख करोड़ यानी ट्रिलियन डॉलर की चर्चा होती है, लेकिन तब घोटालों की साइज के लिए लाख करोड़ की टर्म मशहूर हुई थी। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा है, और इसका असर क्या हुआ? देश का व्यवस्था पर भरोसा टूट रहा था। पूरे देश में करप्शन के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ रहा था। इससे पूरा तंत्र छिन्न भिन्न होने लगा, लोग फैसला लेने से बचने लगे, पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल बन गया। इसने देश का विकास ठप कर दिया।
देश में आने से निवेशक डरने लगे। करप्शन के उस कालखंड ने भारत का बहुत ज्यादा नुकसान किया। साथियों, साल 2014 के बाद हमारा पहला दायित्व व्यवस्था में भरोसे को फिर कायम करने का रहा, और इसलिए हमने काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया। हमने भ्रष्टाचारियों के साथ साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कारणों पर प्रहार करना शुरू किया। अब याद कीजिए, सरकारी टेंडर प्रक्रियाएं, सरकारी ठेके, ये सवालों के सबसे बड़े घेरे में थी। हमने इनमें पारदर्शिता को प्रोत्साहन दिया। आज जब हम 2G और 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन की तुलना करते हैं तो अंतर साफ साफ नजर आता है। आप भी जानते हैं, अब केंद्र सरकार के हर विभाग में खरीदारी के लिए जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की स्थापना की गई है। आज हर विभाग ट्रांसपेरेंसी के साथ इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक खरीदारी कर रहा है। साथियों, आज हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं, यूपीआई से रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, लेकिन हमने 2014 से पहले का फोन बैंकिंग वाला दौर भी देखा है। ये वो दौर था जब दिल्ली में प्रभावशाली राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के फोन पर हजारों करोड़ रुपए के बैंक लोन मिला करते थे। इसने हमारी अर्थव्यवस्था के आधार, हमारे बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। बीते वर्षों में हम बहुत मेहनत करके अपनी बैंकिंग सेक्टर को मुश्किलों से बाहर निकाल करके लाए हैं। फोन बैंकिंग के उस दौर में कुछ लोगों ने 22,000 करोड़ रुपए देश के बैंकों के लूट लिए और विदेश भाग गए। हमने